मेरे अपने सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तुलसी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। इसका औषधि में प्रयोग होता है और सनातन धर्म में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें तुलसी का पौधा न पाया जाता हो। तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे से जुड़े कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये चमत्कारिक उपाय क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने स्वयं भाग्य को जगाने के लिए आप आटे से एक दीपक बनाएं। इसके बाद शाम को उसमें घी और एक चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित कर दें। फिर उस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक रखते समय आपका हाथ तुलसी को स्पर्श न हो। ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुलने लग जाएगी। और दूसरा उपाय, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आप एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को गुड़ का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है, लिहाजा वे भक्तों को खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सुख दुख के भंवर से तार देते हैं। तो एकादशी के दिन माता तुलसी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और अपने बुरे दिनों से मुक्ति पाने के लिए आप रोज़ाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे का पूजन करते समय उसके पास बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही माता तुलसी के सामने बैठकर अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताएं, क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपकी फरियाद सीधे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु तक पहुँचती है, जिससे वे आपके सारे संकट दूर करते हैं। इस मंत्र का रोज़ाना जाप करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। आप सभी ने अपना समय दिया इस पोस्ट को देखने के लिए, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।